Hey guys and welcome back to a brand new vlog. It's been a while since हमने ऐसे freestyle करा है. So today is 9th of September 2020. मेरा आज एक exam था जिसके लिए मैं बाहर आया हुआ हूँ. And ये जो video है मैंने सोचा था कि मैं जब भी ये चीज करूंगा ना मैं इस चीज के ऊपर video definitely बनाऊंगा. मेरा एक last exam रहता है तो उसके लिए कुछ 10 दिन और. लेकिन यार vlog करने का मौका मिला so I thought it's just vlog. The thing is कि 27th February was the last time when I had food from outside. उसके बाद से ना हमने order करा है ना हमने fine dining के लिए गए ना हमने कोई टेक अवे करा है. मेरा इंग्लिश एग्जाम था तो उसके बाद हम KFC गए थे ऐसे ही. बट सिंस देन नॉट बीन आउट फ्रॉम होम मतलब टू ईट. घर से बाहर हम गए थे थोड़े बहुत व्लॉग्स आप देख चुके हो. सो नाउ मैंने सोचा कि यार इतना टाइम हो गया है लॉकडाउन खुले हुए टाइम हो गया है. अनलॉक 4.0 चल रहा है. मैं दोस्तों की स्टोरीज देखकर जेलस हो गया हूँ जो लोग बाहर खा रहे हैं. मेरे मॉम डैड ने मेरे को कई बार बोल चुके हैं खा सकते हो बाहर प्रिकॉशन वगैरह के साथ. बट मेरा मन नहीं मान रहा था तो आज फाइनली आफ्टर व्हाट 6 months आई गेस वी आर एक्चुअली गोना गो एंड ईट आउटसाइड फूड. एंड अगर आप लोग भी सोच रहे हो ऐसे बाहर जाके खाना खाने का तो ये वीडियो पूरी देखो ताकि आपको पता लग जाए कि क्या क्या प्रिकॉशंस बाहर फॉलो हो रहे हैं. सो नो वी आर नॉट गोना गो टू अ फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट. ऑल्दो आई नो कि यार फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट जो वहाँ पे काफी प्रिकॉशंस अलग अलग तरीके के फॉलो हो रहे हैं. लाइक QR कोड्स आ गए वहाँ पे जिसपे आप स्कैन करोगे तो पूरा मेन्यू आपके फोन में होगा एंड देन यू कैन ऑर्डर टू अवॉइड कॉन्टैक्ट. बट वी आर गोना गो टू KFC अगेन बिकॉज देर आर टू रीजन एक्चुअली. नंबर वन बिकॉज KFC इज मेरा फेवरेट. नंबर टू यार मैंने सुना है डोंट कोट मी ऑन दिस बट मैंने सुना है कि जो फ्राइड फूड है उसमें जो रिस्क है बाहर खाने का वो कम हो जाता है. सो KFC ऑब्वियसली वी आर गोना ऑर्डर फ्राइड फूड. So yes, we are going to go to KFC after so long. जरी वीडियो पूरी देखना. एंड हमने घर पे थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स भी ट्राई करे थे जैसे मैंने आइसक्रीम बनाई थी उसकी वीडियो बनाई थी वो आप देख सकते हो ऊपर कंटेंट. एंड देन मेरे डैड ने मोमोज बनाए थे घर पे. मेरी मॉम काफी चाइनीज फूड के साथ एक्सपेरिमेंट कर चुकी है घर पे. सो यस वी हैव डन ऑल दैट. बट यार वो बाहर की जो बात होती है ना यार क्या बताऊं यार. सो यस आफ्टर 6 months ईटिंग आउटसाइड गो एंजॉय द सिनेमैटिक्स एंड देन वी विल मीट एट द KFC. तो गए हैं बट आई रियली होप कि मेरे को शूट करने को मिले क्योंकि लास्ट टाइम आपको पता ही है 24/7 में क्या हुआ था. नहीं पता तो मैंने वीडियो लिंक करी है. सो यस लेट्स गो. एज यूजुअल हमारा टेम्परेचर चेक हुआ सैनिटाइजर मिला फिर वहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस बने हुए थे जहाँ पर आप खड़े हो सकते हैं एट अ डिस्टेंस. तो सब कुछ चीजें अच्छे तरीके से मेंटेन करी. वहाँ पे एम्प्लॉयज ने भी मास्क पहने हुए थे थ्रू आउट एंड दे वर ऑल्सो वेयरिंग ग्लव्स. तो सब अच्छे से हुआ एंड काफी सेफ हुआ. एंड वो पीछे पड़ा है KFC विच विल गो एंड हैव एट होम. सो फार सो गुड. मुंबई का निकल करता है मैं क्या करूँ. All right guys, so we're back at home. मैं नहा चुका हूँ सैनिटाइज हो चुका हूँ. नाउ वी आर गोना वॉच सम व्लॉग्स एंड हैव माय लंच. ज्यादा आपको जेलस नहीं करूंगा बट ओ गॉड एंड आई विल सी यू गाइस इन अ व्हाइल. लंच कर लिया. इनफैक्ट अभी शाम हो गई है. जस्ट डिड माय वर्कआउट कॉज वो कैलोरीज भी बर्न करनी थी. हैड माय प्रोटीन शेक एज वेल एंड नाउ व्लॉगिंग. यार एक चीज मेरे को अच्छी नहीं लगी आज वो ये थी कि KFC ने अपने लोडेड फ्राइज डिसकंटिन्यू कर दिए विच वॉज माई फेवरेट थिंग देयर.
एंड ऑल्सो चोकोलैश भी उन्होंने डिसकंटिन्यू करा. आई थिंक इट्स टेम्पररी फॉर द लॉकडाउन रीजंस, बट स्टिल आई रियली मिस दोज. एक तरीके से अच्छा है बिकॉज़ आई एम ट्राइंग टू अवॉइड शुगर फॉर अगेन वर्कआउट रीजंस, बट या दैट फेल्ट बैड. सो आई रियली होप जिस तरीके से हम सब सोच रहे हैं कि पबजी भी वापस आएगा, जैसे KFC भी कुछ करे इन सारी चीजें वापस ले आए. प्लीज KFC प्लीज. Now answering the title question, is it safe to eat outside? What I'm going to answer is that if you haven't had outside food since a long time, I think you should consider going out. And precautions बहुत अच्छे से लिए जा रहे हैं. You just saw in the video as well. I'm not saying कि आप रोज बाहर जाओ, रोज बाहर का खाओ, but अगर आपको एक छोटा सा change लाना है तो अच्छे से precautions हो रहे हैं. And you can actually go and have outside food because this is the new normal and we have to adjust to live in the new normal with all these precautions out there. So yes, that was really good. एक और चीज जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ वो ये है कि यार इंस्टाग्राम का ये जो न्यू अपडेट है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ कैसे इंस्टाग्राम जो है एक टिकटॉक बन चुका है. उसकी वीडियो मैं यहाँ पे आई बटन में डाल देता हूँ, यू कैन चेक दैट आउट. लेकिन भाई सीन कुछ ऐसा है कि इंस्टाग्राम ने जो है यहाँ पे एक गलत सी चीज कर दी है. उन्होंने यहाँ पे जहाँ एक्सप्लोर पेज होता था हियर, उन्होंने यहाँ पे डाल दिया है रील्स वाला बटन और एक्सप्लोर पेज शिफ्ट कर दिया है यहाँ पर. अब भाई सीन कुछ ऐसा है भाई, ठीक है वेरी गुड तुम लोग रील्स डालो, लेकिन रील्स तुम यहाँ डाल देते हैं, एक्सप्लोर पेज वहीं रहने देते. बिकॉज अब सीन ये है कि बाय डिफॉल्ट जब मैं फोन पे इंस्टाग्राम चलाता हूँ मेरे से ये क्लिक होता है इंस्टेड ऑफ द एक्सप्लोर पेज एंड इंस्टेड ऑफ वॉचिंग क्यूट डॉगोज लाइक केविन हियर, केविन द क्यूटी हियर, वी आई एंड अप वॉचिंग रील्स ऑन लाइक प्यारी प्यारी दो अखियां. वाई यस आयरोनिकली ये भी एक रील है, बट वाई इंस्टाग्राम फिक्स दिस. अब बारी आ चुकी है आउट्रो की. मैंने सोचा है हम लोग चैनल की आउट्रो जो है एक डिफरेंट तरीके से करेंगे. हम लोग आउट्रो में जो है न्यू हैशटैग्स डालेंगे जो कि चैनल के एक्सक्लूसिव होंगे. सो यार आपको तब तक करना है लाइक शेयर कमेंट, चैनल पे नए हो तो करना है सब्सक्राइब, एंड आई एम गोइंग टू लिंक द लॉकडाउन प्लेलिस्ट एज वेल, तो यू कैन चेक दैट आउट इफ यू आर न्यू एंड इफ यू वांट टू चेक आउट माय वीडियोस. अंटिल नेक्स्ट टाइम, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी, डू व्हाट मेक्स यू स्माइल, बिकॉज व्हाट मैटर्स इन द एंड इज हैशटैग यू शुड बी हैप्पी. अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट. Thank you.